हूँ समझ समझ कर रसोई में। दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है। आज अपन बनाएंगे टमाटर की खट्टी मीठी चटनी। चलो मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। एक कढ़ाई ले लिए, इसमें एक से दो चम्मच तेल की डाल लिए और गैस ऑन करते हैं और तेल को एक बार अच्छी तरह गर्म होने देते हैं। देखिए अपना तेल अच्छी तरह गर्म हो गया है, इसमें जीरा डाल दिया है, गैस को कम कर दिया है मैंने। अब इसके अंदर डालेंगे अपन लहसुन और अदरक, मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है और इसी के अंदर डाल देंगे ये दो मिर्च, मैंने अपना अदरक कूटते हैं उसके अंदर कूट लिया है इसको, इनको ही फ्राई कर लेंगे। इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ी सी प्याज डालेंगे, आधा प्याज के करीब। हल्का से इसको पका लेते हैं एक बार। देखिए अपने अच्छी तरह भून चुके हैं। ये मैंने 5-6 टमाटर लिए हैं, इनको रफली चॉप किया मैंने। मैंने इनका ऊपर से छिलका उतार लिया जिससे अपनी चटनी टेस्टी बने, छिलका नहीं आए इसका मुँह में। आधी चम्मच डालूंगी इसके अंदर नमक जिससे जल्दी से अपने टमाटर सॉफ्ट हो जाए। हाँ इसको अब पका लूंगी एक बार सॉफ्ट होने तक, बाद में मसाला डालेंगे इसके अंदर। इसको ढक देती हूँ मैं। चेक कर लेते हैं एक बार। सॉफ्ट होने लगे हैं अपने टमाटर और इनको ऐसे दबा के प्रेस कर दो एक बार। देखिए सबको मैंने अच्छी तरह दबा दिया है, अपना पेस्ट जैसा बन गया है। तो अपन को थोड़ा ऐसे ना मोटा मोटा सा चाहिए अपन को चटनी के हिसाब से, एकदम नहीं करना अपन को इसका पेस्ट। अब इसके अंदर डालेंगे अपन मसाला, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालूंगी और 1.5 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दी है, थोड़ा नमक और डालेंगे और टेस्ट के अनुसार डाल सकते हो आप नमक मिर्ची, और 2 चम्मच डालूंगी मैं धनिया पाउडर और इनको अपन अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और दोस्तों मेरे चैनल पर आप न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना जिसे, और बेल आइकन का बटन प्रेस करना जिससे मेरा जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करो। अब इसको ढक के पका लेंगे अपन 1 से 2 मिनट के लिए। अब अपन चेक कर लेते हैं। देखिए अपनी चटनी बिल्कुल पक गई है। अब इसके अंदर डालूंगी मैं 1 चम्मच चीनी की जिससे खट्टा मीठी अपनी टेस्टी चटनी बने। आप चाहो तो इसमें थोड़ा गुड़ भी डाल सकते हो चीनी की जगह, जब तक अपनी चीनी इसके अंदर मिक्स नहीं हो जाए इतनी देर वो पकाएंगे, फिर अपनी चटनी बनके तैयार है। देखिए अपनी चटनी बनके तैयार हो गई है, कलर भी कितना अच्छा है अपनी चटनी का। अब गैस बंद कर देते हैं, इसके तड़के की तैयारी करते हैं। गैस ऑन करके मैंने एक पैन ले लिया है के वाला और इसमें 1 चम्मच तेल डाल दिए, इसको गर्म होने देती हूँ एक बार। तेल गर्म हो गया, क्या अपना तेल गर्म हो गया है। अब इसके अंदर डालेंगे लहसुन, और थोड़ा सा डालेंगे प्याज। गैस कम कर लेते हैं, इनको थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन कर लेते हैं। तड़के में आप तेल की जगह घी भी यूज कर सकते हो। हल्का हल्के ब्राउन होने लग गए अपने प्याज और लहसुन। अब गैस बंद कर देती हूँ मैं।
और अपन इसके चटनी के ऊपर डाल देंगे। एक बार ढक देते हैं जिससे इसकी खुशबू अंदर ही रह जाए। अपन चेक कर लेते हैं एक बार, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों। आप ज़रूर ट्राई करना चटनी बना के, आप परांठे पूड़ी किसी के साथ भी खा सकते हो ये। अब इसके अंदर अपन मिक्स कर देते हैं। और इसको एक कटोरी में निकाल लेती हूँ मैं। इसके ऊपर डालूंगी थोड़ा सा हरा धनिया। देखिए कितनी, देखने में कितनी सुंदर लग रही है, तो दोस्तों सोचो खाने में कितनी टेस्टी होगी। तो ये जरूर ट्राई करना, झटपट बन के तैयार हो जाती है।